गठन अगर लोकसभा में हो, मतलब लोकसभा में प्रस्ताव आए तो पारित राज्यसभा करेगी, अगर राज्यसभा में प्रस्ताव आए तो लोकसभा पारित करेगी। इसमें सामान्यता जो प्रचलन में है वो 30 एमपी होते हैं, जिसमें से 10 एमपी राज्यसभा से जबकि 20 एमपी लोकसभा से होते हैं। जो 20 एमपी होते हैं इसमें ज़्यादातर प्रयास किया जाता है कि लोकसभा के लगभग सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाए, और ऐसा ही प्रयास किया जाता है। चलिए बात जो पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक 8 जेपीसी की गठन हो चुकी है। और चलिए 1987 में वफ़र्स घोटाला को लेकर हुई थी, ठीक है। फिर 1992 में बैंकिंग ट्रेड और स्टॉक मार्केट घोटाला हर्षद मेहता का को लेकर हुई थी। फिर 2001 में स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा घोटाला जिसमें कि केतन पारिक की भूमिका थी वो 2001 में। फिर 2003 में सॉफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक मिलने को लेकर हुई थी। फिर 2011 में 2G स्पेक्ट्रम को लेकर हुई थी। फिर 2015 में भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई थी। फिर 2016 में नागरिक संशोधन बिल को लेकर हुई थी। 2019 में डिजिटल सुरक्षा को लेकर हुई थी। और 2013 में घोषणा हो चुकी थी, लेकिन जेपीसी का गठन नहीं हुआ था। वह मुद्दा था अगस्ता वेस्टलैंड का वीवीआई चॉपर वाला मामला। बात करेंगे जेपीसी, जी हाँ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के। आप जानते हैं कि जेपीसी की गठन की बात हमेशा राजनीतिक दलों में चर्चा का विषय बना रहता है, खास करके केंद्र की राजनीति में जेपीसी की जिक्र हमेशा देखी सुनी जाती है। वह कब, जब कोई मामला बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है या फिर कोई ऐसा विवाद जिसका कि किसी एक पक्ष को लाभ। साधारणतः जेपीसी का गठन का डिमांड जो होता है वह विपक्ष के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष की किसी गलती को विपक्ष द्वारा पकड़कर उसको लोगों के बीच लाने का एक बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है जेपीसी को। इसलिए हमेशा विपक्ष क्या कहती है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष क्या कहती है हमेशा कि किसी स्पेशल कमेटी, किसी भी विवाद का हल निकालने के लिए क्या करती है, किसी स्पेशल कमेटी के गठन की बात वह करती है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह हो गया कि जेपीसी के गठन को लेकर जो भी चर्चाएँ होती है वह जानना जरूरी है कि आखिर जेपीसी है क्या और यह आखिर विवादास्पद हमेशा क्यों होती है। तो देखिए, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर मज़ेदार फैक्ट जो है ना, मज़ेदार फैक्ट ये जान लीजिए कि जेपीसी जो है, ये जेपीसी से जुड़ा हुआ अब तक जो भी कमेटियां बनी हैं इसका जो रिपोर्ट आता है ना वो काफ़ी मतलब प्रभावकारी माना जाता है। देखिए, इस एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि जो वफ़ोर्स तोप का घोटाला की बात आई थी, जी हाँ, इसमें जेपीसी का गठन हुआ था 1987 में, ठीक है, जबकि उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। वफ़ोर्स तोप का घोटाला जो था वो इतना ज़्यादा, मैंने जेपीसी की भूमिका इतना ज़्यादा निर्णायक रही और लोग इतना ज़्यादा इस वफ़ोर्स तोप से जुड़े हुए जो घोटाले थे इससे सेंटिमेंटली जुड़े हुए थे, इस कारण क्या हुआ कि इवन सत्ता तक चली गई, मतलब सत्ता तक खोना पड़ गया। इसलिए जेपीसी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जेपीसी को इसीलिए हमेशा विपक्ष क्या करता है कि औजार की तरह इसका उपयोग करना पसंद करता है। वो चाहता है कि जेपीसी की जब गठन की बात हो, किसी मुद्दे पर जेपीसी गठन हो, तो हो सकता है कि इसमें बहुत ऐसे तथ्य सामने आ जाए जो सरकार इसको दबा नहीं सकती, छिपा नहीं सकती। लेकिन सरकार जो आयोग कमेटियां बनाती है उसमें क्या है कि वो रिपोर्ट जब गवर्नमेंट को जाता है तो गवर्नमेंट को जाती है तो गवर्नमेंट क्या करता है कि उस रिपोर्ट में से सेलेक्टिव भी हो सकती है। लेकिन जेपीसी में क्या होता है जनरली कि जेपीसी का जो गठन होता है, तो जेपीसी का जो गठन है ये कोई संवैधानिक प्रावधान, मतलब इसके लिए कोई संविधान में किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन यह संसदीय व्यवस्था के तहत प्रचलन में है। और जब इसका जो गठन होता है ना, तो गठन के लिए क्या है कि जेपीसी का जब गठन की बात आएगी तो कोई एक सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे जेपीसी का गठन करना है, ठीक है, मान लीजिए गठन की बात है, तो इसका जो प्रस्ताव है ना किसी में भी आ सकता है, मान लीजिए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। जेपीसी के गठन की बात आएगी तो सामान्यतः क्या होगा कि जो लोकसभा में है, अगर लोकसभा में प्रस्ताव आया तो पारित किसको करना है, राज्यसभा में, मैंने रोज और राज्यसभा अगर लाया गया तो पारित होगा कहाँ से, लोकसभा से। तो ये क्या होता है, रिवर्स होता है, या तो यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो। अब चलिए, इसका गठन का क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि अब तक जो प्रचलन में, देखिए इसका कोई फिक्स रूल नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि 30 मेंबर होते हैं इसमें। ये 30 मेंबर कौन होंगे, 30 मेंबर होंगे एमपी, और एमपी कहाँ से होंगे, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो अगर 30 मेंबर, मान लीजिए एक नंबर ज़्यादातर अभी प्रचलन में 30 ही मेंबर का है, तो जब 30 मेंबर की बात हो तो 20 जो है
20 एमपी होंगे कहाँ से, तो 20 एमपी होंगे लोकसभा से और 10 एमपी होंगे कहाँ से, तो राज्यसभा से। तो साधारणता जो प्रचलन में है जेपीसी गठन का, तो उसमें यह देखा जाता है कि 30 ही मेंबर को लिया जाता है और उसमें 20 मेंबर जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं और जो शेष मेंबर होते हैं मतलब जो 10 मेंबर बचेंगे वह राज्यसभा से। इसी तरह सामान्यता यह प्रचलन में है कि क्या के जेपीसी गठन होता है। अब जेपीसी जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, इसको संयुक्त संसदीय समिति जो है यह क्या करता है, करती है कि यह किसी भी विषय में, अगर मान लीजिए कि कोई टॉपिक दिया गया, ठीक है, मान लीजिए कोई एक टॉपिक पर जांच हुआ, चलिए सपोज करते हैं जो अब तक का जो टॉपिक्स में हुआ किसी एक टॉपिक का बात कर लेते हैं, चलिए तो चलिए 2G स्पेक्ट्रम का बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि 2G स्पेक्ट्रम के लिए, 2G स्पेक्ट्रम के लिए जेपीसी गठित हुई। अब ये जेपीसी कर क्या सकती है, तो देखिए पहला कि वो किसी भी तरह का जांच कर सकती है, ठीक है, जिसके लिए बनी हुई है जेपीसी। अगर बनी 2G के लिए तो किसी भी तरह की जांच, ठीक है, और दूसरा जांच के साथ साथ दूसरा वो क्या कि जांच जो होगा मौखिक भी हो सकता है और जवाब जो होगा वो लिखित होगा, क्योंकि इसको डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। तो कोई भी जांच कर सकती है और कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकती है, रिटर्न में जवाब ले सकती है, पूछ सकती है, बुला सकती है। यह अधिकार किसको है, तो यह अधिकार है जेपीसी को। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो जेपीसी में क्या हो गया, देखिए एकदम बहुत ही सिंपली, देखिए जेपीसी का जो गठन का बात है, तो सामान्यतः लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतलब एमपी से मिलकर बने होते हैं, उसमें से प्रचलन में जो है कि सामान्यतः 30 उसमें से 20 लोकसभा के एमपी होंगे और 10 राज्यसभा के एमपी होते हैं। और इसका तो मजेदार फैक्ट मैंने बताया ही था कि जेपीसी को लेकर क्या होता है ना कि एक मान्यता बन गई है कि विपक्ष के लिए हथियार है। इसलिए आप देखेंगे ना किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक आ जाए सामने, सीधे क्या बात होती है कि नहीं, सीधे नहीं, जेपीसी का गठन से कम विपक्ष का बात सुनेंगे, जेपीसी के गठन से कम हम मानेंगे ही नहीं। मतलब जेपीसी का गठन होना चाहिए किसी भी मुद्दे पे, जेपीसी गठन का मांग सामान्यता प्रचलन में देखा जाता है विपक्ष के द्वारा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्तमान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर इतिहास में क्या हुआ था, मैं बात फोकस हमारा क्या है, फोकस है जेपीसी में और जेपीसी का जो गठन का इतिहास रहा है उसमें हमने देखा है कि हमेशा विपक्ष क्या करती है कि वो जेपीसी का डिमांड करती है जहां उसे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सरकार को घेर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होती है सामान्यता प्रचलन में क्या है, जेपीसी की गठन की बात है। तो चलिए अब देख लेते हैं तेजी से कि अब तक कितना जेपीसी का गठन हुआ और कौन उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, जेपीसी जो हुआ गठित हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके नेतृत्व में अध्यक्षता में यह जेपीसी बना, चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो जेपीसी का थोड़ा हिस्ट्री, जेपीसी का हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब तक देख लेते हैं कि कितना जेपीसी का गठन हुआ। चलिए एक सबसे पहले शुरू करते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था बफोर स्तोप का। तो बफोर स्तोप के लिए जो जेपीसी की गठन हुई थी वह 1987 में, ठीक है, 1987 में, ठीक है, किसके लिए, बफोर स्तोप से जुड़ा विवाद था इसमें, और इसकी जो अध्यक्षता की थी बी शंकरानंद, चलिए बी शंकरानंद, चलिए प्रधानमंत्री भी लिख देते हैं, चलिए राजीव गांधी जी, चलिए पहला जेपीएससी की बात हुई 1987 में बफर स्टॉप के लिए, इसके अध्यक्ष कौन थे, बी शंकरानंद, राजीव गांधी के समय। दूसरा जेपीएससी 1992 में, ठीक है, ये जेपीएससी जो है 1992 में, और ये क्या था, हर्षद मेहता का घोटाला, याद कीजिए क्या था, बैंकिंग लेन देन प्लस ट्रेड मार्केटिंग मतलब समझ गया ना, शेयर मार्केट, ठीक है, ट्रेड मार्केटिंग, हाँ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बने थे राम निवास मृधा। देखिए एक्चुअली ऐसा फैक्ट आपको डिटेल्स में एक जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, निश्चित आप गूगल में सर्च करके देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा उस समय जो पीएम थे वो थे पी वी नरसिम्हा राव,
पीवी नरसिम्हा। चलिए अब बात तीन नंबर में आते हैं, 92 में पहुंच गए। फिर एक बैंकिंग घोटाला हुआ था और जो बहुत ही चर्चा में थी वो क्या था, केतन पारिक का मामला, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये 2001 में स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ मामला था और इसमें जो अध्यक्षता प्रकाश मणि त्रिपाठी, बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेंगे बस फिर। चलिए, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, फिर चलिए एक और आ जाते हैं 2001 में स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा मामला को एक बार डिस्क्राइब भी कर देंगे किस मामले के लिए कब हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था, ये 2003 में गठित हुई थी, 2003 में, और ये जो मुद्दा था काफ़ी सेंसेटिव था, क्या था, कीटनाशक मिला हुआ किसमें, कीटनाशक युक्त जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो था, कोल्ड ड्रिंक उसमें कीटनाशक है या नहीं है, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। बाबा रामदेव का एक कैंपेन भी चला था उसी समय, और ये जो गठन, ये इसका अध्यक्ष था शरद पवार, ये भी वाजपेयी जी के समय ही हुई थी। चलिए ठीक है, इसके बाद फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो अब फिर पहुंच जाता है क्या आपका 2011 में मनमोहन सिंह जी के समय, 2011 ठीक है, क्या 2G स्पेक्ट्रम, एग्जांपल दिया था ना मैंने, स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये पीसी चाको यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये जेपीसी की अध्यक्षता की थी, और अभी डिटेल्स में मैं तुरंत बता दूंगा, ये मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए 2011 में 2G स्पेक्ट्रम। फिर इसके बाद एक जेपीसी की गठन हुई थी, घोषणा हुई थी, चलिए उसका उल्लेख करेंगे बाद में, पहले सीरियल नंबर देख लेते हैं। तो एक 2015 में SS अहलूवालिया, 2015 भूमि अधिग्रहण का मामला था, SS अहलूवालिया, ये सब बहुत दार्जिलिंग से MP हुआ करते थे, SS अहलूवालिया। ठीक है, चलिए भूमि अधिग्रहण ये तो हो गया, वर्तमान प्रधानमंत्री, चलिए 2015 की बात हो गई। फिर एक हो गया 2016, में वो जो NRC वगैरह का जो विवाद चल रहा था, नागरिक संशोधन वगैरह, नागरिकता को लेकर जो विवाद चल रहा था, उस समय गठित हुई थी नागरिक संशोधन बिल, नागरिक संशोधन बिल को लेकर JPC का गठन, ये राजेंद्र अग्रवाल, यहाँ भी मोदी जी। चलिए 8 नंबर, अभी रिसेंटली हुई थी 2019 में मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में, इसका जो मुद्दा था, मतलब जिस टॉपिक के लिए, जिस इशू के लिए गठित हुई थी JPC, वो था डिजिटल सुरक्षा। ठीक है, मीनाक्षी लेखी, ठीक है, यहाँ क्या हो गया मोदी जी। चलिए, तो यहाँ क्या हो गया कि बात हम लोगों ने की कि
उन जेपीसी की जो अब तक गठित हो चुकी है। चलिए तो बहुत ही तेज़ी से इसको देख लेंगे हम लोग कि कौन सा जेपीसी गठित हुई थी, लेकिन यहाँ एक बात और मैं बता दूंगा। चलिए 1987 में क्या हुआ था कि बफोर्स स्टॉप को लेकर घोटाला की बात सामने आई, तो उस समय जो अध्यक्षता उन जेपीसी की, हाँ अध्यक्षता इन्होंने बी शंकरानंद ने की थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। फिर बात आई, चलिए 1992 में, तो बैंकिंग ट्रेड को लेकर, तो बैंकिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में और ट्रेड मार्केटिंग में लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, और इस घोटाला का जो नायक हुआ करता था उसको लेकर मूवी भी बनी है, जी हाँ, हर्षद मेहता। ठीक है, तो हर्षद मेहता का जो एक्टिविटी था, इलीगल एक्टिविटी, उसकी जांच के लिए जेपीसी कमेटी बनी थी, उसमें रामनिवास मिर्धा को अध्यक्ष बनाया गया था, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। फिर बात आए 2001 में, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, इस घोटाला के पीछे जो निर्णायक भूमिका थी, मतलब इस घोटाला का मास्टरमाइंड केतन पारिक, इसके ऊपर भी मूवी बन चुकी है शायद OTT में। ठीक है, तो केतन पारिक, ये प्रकाश मुनि त्रिपाठी के समय अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। फिर बात आई 2003 में बाबा रामदेव का एक कैंपेन हुआ करता था, पतंजलि के जो बाबा रामदेव, उनका एक कैंपेनिंग था कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें कीटनाशक मिलाया जाता है। उन्होंने इसको बहुत कई एग्जाम्पल देकर प्रूव भी करने का प्रयास किया था, जैसे कि टॉयलेट क्लीनर वगैरह भी उसका नाम रखा था, इवन इसमें किसानों द्वारा पेस्टिसाइड के रूप में उसका उपयोग किया जाना, इसको भी बहुत हाईलाइट किया गया था। तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि सॉफ्ट ड्रिंक सही है गलत है क्या है नहीं है, ये जांच का विषय बन चुका था। उस समय शरद पवार की अध्यक्षता में एक जेपीसी की गठन हुई, प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर आप देखेंगे कि 2011 में 2G स्पेक्ट्रम को लेकर पीसी चाको की अध्यक्षता में एक जेपीसी की गठन हुई थी, उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे। 2G स्पेक्ट्रम आप जान रहे हैं अभी कौन सा चल रहा है, 5G स्पेक्ट्रम चल रहा है, 5G चल रहा है, उस समय 2G स्पेक्ट्रम लॉन्च हुआ था, और वही 2G स्पेक्ट्रम का जो बंटवारा है, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था कि इसमें बहुत घोटाला हुआ, और उसी घोटाला में कहीं उस समय के जो मनमोहन सिंह सरकार के कई मंत्री इसके चपेट में आए थे, और कुछ बातें सच भी साबित हुई थी। तो ये जेपीसी गठन पीसी चाको की अध्यक्षता में 2011 में हुई थी। फिर 2015 में भूमि अधिग्रहण को लेकर जो विवाद चल रहा था वो मनमोहन सिंह की सरकार के समय से ही चल रहा था, फिर मोदी जी के समय भी भूमि अधिग्रहण बहुत बड़ा इशू बन गया। तो उस समय SS अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक जेपीसी की गठन हुई थी, जो मोदी जी प्रधानमंत्री थे। फिर बात आई 2016 में, नागरिक संशोधन बिल, जो नागरिकता, भारत की नागरिकता को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो अफगानिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो नागरिक भारत में आए हैं उनका नागरिकता कैसे तय हो, इसको लेकर जो विवाद था, उस विवाद को लेकर एक बिल, जो बिल संसद में आया था उस बिल को लेकर जो विवाद था उसके लिए राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में एक जेपीसी बनी थी। और फिर 2019 में डिजिटल सुरक्षा, जो वर्तमान में अगर पेगासस पेंडोरा पेपर्स वगैरह जो है ना, ये सब डिजिटल सुरक्षा हाई लेवल का, देखिए जनरली डिजिटल सुरक्षा की बात आती है तो हम लोग क्या जानते हैं, हाँ डिजिटली जो चीटिंग हो रहा है, कोई फॉर्जरी तरीके से पैसे निकाले, बोले वो, ये बहुत छोटा लेवल है, जो जैसे पेगासस पेंडोरा पेपर या फिर विकीलीक्स, ये क्या है कि किसी गवर्नमेंट का पॉलिसी ही रिवील हो जा रहा, कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, वो पॉलिसी बाहर आ जा रही है। तो ये डिजिटल सुरक्षा, तो किसी भी देश के लिए डिजिटल सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटली सारा कुछ रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तो इस पे सेंध लगाना बहुत ही आसान हो गया। इसलिए इसके लिए एक सुनियोजित तरीके से एक नीति बनाते हैं, उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, उसको लेकर विचार विमर्श के लिए या फिर इसका हल निकालने के लिए एक जेपीसी बनी थी मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में, जो वर्तमान है मोदी जी के नेतृत्व में। और जब इन सबों की बात हो रही है तो यहाँ एक बात और जान लेना है कि 2013 में संसद द्वारा जेपीसी गठन की बात, देखिए अब तक 8 हो चुकी है, लेकिन 2013 में संसद में घोषणा हुई कि जेपीसी गठित होगी। ठीक है, मुद्दा क्या था, VVIP चॉपर कंपनी याद आ गया होगा, अगस्ता वेस्टलैंड, जी हाँ। देखिए बात क्या है, 2013 में एक जेपीसी की गठन की घोषणा संसद द्वारा हो गई 2013 में ही, इसका मतलब मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। जेपीसी गठन की बात है कि क्या है, तो अगस्ता वेस्टलैंड जो है VVIP चॉपर जो है, इसकी खरीदी में कुछ घोटाला हुआ है,
घोटाला और उसी घोटाला का जांच के लिए एक जेपीसी होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत दबाव था इस जेपीसी को गठन को लेकर, सरकार ने इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन वस्तुतः क्या कि यह जेपीसी गठित ही नहीं हुई। तो चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी है वो है क्या। तो चलिए बहुत ही तेज़ी से इसको हम लोग रिवाइज करते हैं और बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, तो जेपीसी कर रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। जी हाँ, संयुक्त संसदीय समिति, और संसदीय समिति जो है इसका गठन अगर लोकसभा में हो, मतलब लोकसभा में प्रस्ताव आए तो पारित राज्यसभा करेगी, अगर राज्यसभा में प्रस्ताव आए तो लोकसभा पारित करेगी। इसमें सामान्यतः जो प्रचलन में है वो 30 MP होते हैं, जिसमें से 10 MP राज्यसभा से जबकि 20 MP लोकसभा से होते हैं। और जो 20 MP होते हैं इसमें ज़्यादातर प्रयास किया जाता है कि लोकसभा के लगभग सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाए, और ऐसा ही प्रयास किया जाता है। चलिए बात जो पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक 8 जेपीसी की गठन हो चुकी है। और चलिए 1997 वफ़ोस्तो घोटाला को लेकर हुई थी, ठीक है। फिर 1992 में बैंकिंग ट्रेड और स्टॉक मार्केट घोटाला हर्षद मेहता का को लेकर हुई थी। फिर 2001 में स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा घोटाला जिसमें कि केतन पारिक की भूमिका थी, वो 2001 में। फिर 2003 में सॉफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक मिलने को लेकर हुई थी। फिर 2011 में 2G स्पेक्ट्रम को लेकर हुई थी। फिर 2015 में बुद्धि भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई थी। फिर 2016 में नागरिक संशोधन बिल को लेकर हुई थी। 2019 में डिजिटल सुरक्षा को लेकर हुई थी। और 2013 में एक घोषणा हो चुकी थी, लेकिन जेपीसी का गठन नहीं हुआ था। वह मुद्दा था अगस्ता वेस्टलैंड का VVIP चॉपर वाला मामला।